भाई मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है, बार बार में बुलाया जा रहा है, धक्का से साइन करवाए जा रहे हैं, जबकि मेरे पास सारे प्रूफ है इनके। भाई अशोक को नहीं आया, मधु आई है, मधु का भाई आ रहा है, मधु का पापा भी आ रहा है, छोटे सिपाही वो लेके आएंगे भाई, हैं? मैं करते ले भाई अशोक ने, हैं? वो तो इनका काम है भाई कार्रवाई करना, भाई इन पर नहीं कार्रवाई होती तो फिर क्यों बैठे भाई ये, हैं? आप नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, रेनू का जो मामला है भाई, लगातार मीडिया सोशल मीडिया पर वायरल होने लग रहा है भाई। अपने न्याय की मांग लगातार पुलिस प्रशासन के सामने, पुलिस प्रशासन का दरवाज़ा खटखटाने लग रही है और कहने लग रही है कि भाई इसको न्याय मिलना चाहिए। और फिलहाल एक बार भाई देख सकते हैं, पुलिस स्टेशन सदर थाना नरवाना, भाई सदर थाने के सामने इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। और भाई रेनू जो बताने लग रही है कि भाई इसको पुलिस प्रशासन की तरफ से बुलाया गया था, तो भाई इन्होंने जो कंप्लेंट दर्ज करवा रखी है उससे पहले भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई थी, क्योंकि रेनू लगातार रो रो करके, रेनू का बुरा हाल था और कहने लग रही थी कि भाई मुझे किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिलने लग रहा है। बहन जी क्या बात है, आंखों में आंसू है, रोने लग रही है, क्या बात होगी बहन जी? भाई मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है, बार बार में बुलाया जा रहा है, धक्का से साइन करवाए जा रहे हैं, जबकि मेरे पास सारे प्रूफ है इनके, इनके लिविंग इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट है भाई। ये दबाव दे रहे मेरे ऊपर। कौन दबाव दे रहे आपके ऊपर? ये पुलिस वाले। पुलिस वाले दे रहे हैं? क्या नाम क्या है? नीलम मैडम। अच्छा, क्या क्या कह रही है आपको, किस प्रकार का दबाव दिया जा रहा है, बताओगे एक बार? दबाव यही दिया जा रहा है कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, इसके ऊपर कोई कार्रवाई को नहीं हुआ है। ठीक है भाई, ये अपनी मर्जी तो रह रहे थे, ठीक है भाई, टॉर्चर करे के धक्का से साइन कर तू। मैं क्यों साइन करूँ भाई, मैं कौन साइन कर दी भाई, मैंने तो इंसाफ मिलना चाहिए भाई, इंसाफ होना चाहिए मेरा तो भाई, सारे सबूत है मेरे पास, देख लो भाई सबूत भी देख लो भाई। ये जो गुड़िया है ये बताने लग रही है भी इसके हाथ में लिविंग जो सर्टिफिकेट है भाई, जिस मधु के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं कि भाई मधु और जो अशोक है लिविंग में रहने लग रहे थे, इसके पास अभी जो फोटो भी है और जो लिविंग सर्टिफिकेट है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई मैं, ये करीबन 20 तारीख 8/2022 को इन्होंने जो लिविंग सर्टिफिकेट है वो बनवा रखा है। बावजूद उसके क्या बातचीत होने लग रही है, क्या कहा गया है आपको अभी? मेरे को जो मधु आई थी, हाँ, मेरे सामने। अच्छा, मधु आपके सामने आई थी? हाँ। अच्छा, वो पहले तो बोली मेरी शादी हो रही है, हाँ, ठीक है, हाँ। फिर उस पर शादी के सबूत मांगे भाई, वो बोली कल ना ले आऊंगी भाई, आज भी को ले आई वो सबूत, सबूत दिखाओ भाई शादी के। वो बोल रही 3 महीने पहले शादी होगी, उसका भाई भी यही बोल रहा है भाई 3 महीने पहले शादी होगी। भाई 12वां महीना की 30 तारीख ने रेड पड़ी थी, होटल पे थी वह, भाई शादी हो रही थी जिसकी वह तो घर आनी चाहिए, है 3 महीने का नहीं शादी ना हो रही है, वह तो घर आनी चाहिए थी भाई। और फिर मैं नुबली महाला सबूत दिखाऊंगी, नुबली दिखा सबूत, ये सबूत भी दिखा दी भाई, फिर भी धक्का तेन को है भाई साइन कर, समझौता कर। समझौता आपने कुछ पढ़ा उसमें, किस प्रकार का आप कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से दबाव दिया जा रहा है? भाई मैंने पढ़ा को नहीं, उसमें के लिख रखा था, मैं उठ के आएगी भाई, मैं साइन कौन कर दी किसी भी चीज पे, मैंने तो इंसाफ चाहिए भाई, न्याय चाहिए। देख लो भाई, जो ये रेनू कहने लग रही है कि भाई इसको टॉर्चर किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से, इसको बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप साइन कर दीजिएगा, जो इन्होंने कंप्लेन डाल रखी है पुलिस प्रशासन से, न्याय मांगने लग रही है, पुलिस प्रशासन का दरवाज़ा खटखटाने लग रही है, सेवा सुरक्षा व सहयोग, भाई हरियाणा पुलिस का ये नारा है कि सेवा सुरक्षा सहयोग में 24 घंटे आपके लिए तैयार रहेगी हरियाणा पुलिस, तो भाई ये बताने लग रही है। और आज ये आंसू है, आंखों में आंसू है, ये कहने लग रही है कि इसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है समझौते का, कि आप समझौता कर लीजिएगा। कल क्या बातचीत हुई थी और कल किसने आपको बुलाया था? भाई कल भी मेरे ऊपर ऐसे दबाव डाला गया था भाई, जैसे मन ने गुनाह कर रखा हो, मेरे को खुद को ये बोला गया भाई तने खुद ने लव मैरिज कर रखी, तो भी इसे वर्गी, भाई मैं इस वर्गी क्यों हूँ, हाँ। भाई अजय मैं इस वर्गी क्यों हूँ, भाई मैंने लव मैरिज करी है, एक गला करी है, और आगे ना भाई मैंने शादी करनी, एक गला रहना जिस गला हुई थी होली भाई, ठीक है ना, मैंने करनी भाई, मैं उस वर्गी को करूँ, है? कल मधु ने कहा था कि मैं लिविंग में नहीं रहती अशोक के साथ में, हाँ। तो आईओ मैडम ने सबूत मांगे थे भाई, अगर ईव उसका कोई गांव का देख रहा हो नहीं, उसका घर जाकर देख लो, अशोक के कपड़े इनका घर पड़े भाई, अशोक के कपड़े इनका घर पड़े भाई, 6-7 दिन इसका घर अशोक रह कर भी आया है, इसका भाई की शादी में भी जा रहा है, वो फोटो भी दे दूंगी मैं अपने, ठीक है, लगा दिए भाई जरूर। फिर इन पर पूछिए भाई
भाई ये शादी में क्या खाता रह रहा था फिर यानू बोली भाई रेड पड़ी थी बोली मन तो रूम उस पर लिया था भाई एक दिन खातर किराया पे भाई चल मानू एक दिन खातर किराया ले लिया था भाई ये फोटो कटता है फिर है ये भी किराया ले रखे भाई देख ले भाई सबूत सारे हैं आज पुलिस पुलिस स्टेशन में मधु और कौन आता अशोक भी आया है भाई अशोक कौन आया मधु आई है मधु का भाई आ रहा है मधु का पापा भी आ रहा है तो किस प्रकार का दबाव डाला जा रहा है या समझौता करने की बात कही जा रही है भाई समझौता करने की बात करी जा रही है मैं कौन समझौता कर दी भाई मन तो इंसाफ मिलना चाहिए बस अपनी इंसाफ इंसाफ चाहते हैं भाई मैं तो इंसाफ चाहूँ भाई मैं कड़ा लेकर जाऊँ इन बालका ने मेरी तो माटी पीट दी भाई देखिए कड़ा लेकर जाऊँ मैं इस चोरा ने कड़ा लेकर जाऊँ भाई इसके गोड्डे भी ठीक कौन भाई खड़े भी कौन चोरा के लिए हमने अपील भी की थी आप सबके सामने अपील भी की थी कि भाई जो ये लड़का है ये दोनों पैरों से चल नहीं सकता अच्छे से ये खड़ा भी नहीं हो जा रहा है इसे और इसी के लिए भाई इन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ पर डटी हुई हूँ ये देख लो भाई छोटा बच्चा इसका ऑपरेशन होने वाला है इसके लिए हमने आईएफएससी कोड अकाउंट नंबर भी डाला था ताकि भाई इसका ऑपरेशन हो सके और यही कारण है कि भाई 9 साल पहले इसने लव मैरिज कर ली लेकिन भाई ये कहने लग रही है कि भाई 9 साल तक इसके पति के साथ इसने आज तक कोई गलती नहीं की है लेकिन 3 बच्चे हैं भाई अभी 2 लड़की हैं और 1 लड़का भाई अशोक तो इनको छोड़ करके भाग गया ये लिविंग का सर्टिफिकेट भी है भाई फोन में सबूत है फोटो है तो भाई अब ये लड़की जाए तो जाए कहाँ उस तरफ से पुलिस प्रशासन की तरफ से जो ये बताने लग रही है कि भाई ये प्रेशर भी डाला जा रहा है कि आपने जो कंप्लेंट दी है आपने जो कंप्लेंट दर्ज कराई है कि उसके ऊपर आप साइन कर दीजिएगा भाई अब ये इन्होंने ये कह रही है कि भाई मुझे न्याय मिलना चाहिए इसको न्याय नहीं मिलेगा तो किस बात का साइन करेगी ये क्या कहा गया था अभी आईओ मैडम की तरफ से आईओ मैडम की तरफ से ये बोल रहा गया है कि भाई क्या करें अब आपने कहा नहीं आप अशोक के पास आप फोन करो एक बार आमने सामने करो वो बोल रही तो फोन उठा ही नहीं रहा मैं क्या करूं उसका अशोक का मैं कहां से लेके आऊं मैं भी तो एक लेडीज हूं मैडम ने ये बोला कि मैं भी तो एक लेडीज हूं मैं कहां से लेके आऊं अशोक को भाई देखो कार्रवाई करना इनका काम है ये कहीं से भी लेके आए भाई है कल्ला ये थोड़ा भाई मैडम में लेके आओगी जो छोटे सिपाही वो लेके आएंगे भाई है मैं करते ले आऊं भाई अशोक ने है वो तो इनका काम है भाई कार्रवाई करना भाई इन पर नहीं कार्रवाई होती तो फिर क्यों बैठे भाई ये है आप क्या क्या न्याय चाहते हैं बहन जी क्योंकि पूरा देश पूरा इंडिया इस वीडियो को देखने लग रहे हैं आप किस प्रकार का न्याय चाहते हैं गांव छोड़कर क्या आप अनाथ आश्रम में आ गए हैं सारा सामान आपका अनाथ आश्रम में पड़ा है किस प्रकार का भी न्याय चाहते हैं किस प्रकार समझौता करवा सकते हैं बताओ आप एक बार भाई मन तो न्याय मिलना चाहिए बस ठीक है सजा मिलनी चाहिए भाई धनुआ ने धनुआ ने धनु मेरे गले धोखा कर रहे भाई मन गाली गलोच भी करा भाई मारन की भी धमकी दी थी भाई इन मन न्याय मिलना चाहिए भाई मैं खड़ा जाऊं इन बालकन ने लेकर ना कुछ भी कौन कर सकती मैं तो ये खड़ा होने जोगा नहीं भाई कुछ भी कौन कर सकती भाई मैं तो इसके खातर सारी जिंदगी इसके खातर त्यागी थी भाई ये ठीक को नहीं लग तो मेरा बेटा ही देख लो भाई सबसे जो बड़ी बात है ये कहने लग रही है कि भी जो इसके साथ 9 साल पहले जो इन्होंने शादी की थी लेकिन इसके पति ने भी जो इसके साथ धोखा किया है और साथ में जो कहने लग रही है लगातार चीख चीख चिल्ला चिल्ला कर कि मधु ने और जो अशोक ने लिविंग में रह करके इसके साथ जो धोखा किया है उसको लेकर के लगातार न्याय की मांग करने लग रही है शासन प्रशासन से कहने लग रही है कि एक बार दोनों को या तो आमने सामने लाया जाए लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई इस केस में अशोक की तरफ से या फिर मधु की तरफ से जो ये कहने लग रही है रेनू कि झूठ बोला जा रहा है लिविंग में भी है और मधु कह रही है कि मैं लिविंग में नहीं हूँ पहले मधु मना कर रही थी भाई के प्रूफ है तेरे पे मैं बोली है प्रूफ नुबली दिखा भाई एक तेरा मेरे पर भाई बैठा था मैं बोली भाई तो पढ़कर सुना दिए ला भाई 2022 का बन रहा भाई इसका लिव इन इनका रिलेशनशिप का आज का कौन बन रहा किसने पागल बनाओ भैया हिंदी तो मामा ने पढ़नी आंदी होगी इंग्लिश नहीं आंदी तो हिंदी तो आंदी होगी भाई उसने भी आवा है हिंदी धोखा तो कोई साइन कर सका है नुका मेरे पास तो धोखा तो साइन करवाए भाई मेरे पास करवा ले कोई धोखा तो साइन कड़ियां करवा ले लो मेरे पास धोखा तो साइन अरे ये फोटो कुकर उतर गए भाई ये भी धोखा तो उतर गए अशोक के साथ रेनू का फोटो है मधु का भाई मधु का अशोक का फोटो भाई ये सारे प्रूफ है आपने दिखा दिया था यो मैडम को हाँ भाई तो क्या बोली फिर देखने के बाद मैडम फिर तो कुछ नहीं बोली भाई अच्छा हाँ। चलो हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अनिल विज तक क्या आप अपील करना चाहेंगे न्याय की भाई मैं तो उनको मन न्याय मिलना चाहिए भाई मेरे इन दो क्या खातर भाई कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए भाई ठीक है भाई चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सुगिंतार के साथ मैं जबार्दवाज
राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।